स्वागत है सभी दर्शकों का गिलोला श्रावस्ती न्यूज चैनल में। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा ले ताकि सभी खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से है, जहां मां के साथ खेत गई मासूम, नहाते समय गहरे पानी में चली गई। भीमगा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव में एक किशोरी राप्ती नदी में डूब गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोताखोरों ने नदी से आधे घंटे बाद शव बरामद किया। वह अपनी मां के साथ खेत में गई हुई थी, नहाते समय गहरे पानी में समा गई। गोताखोरों के घंटों तलाशने के बाद शव का बरामद हुआ। आपको बता दें कि पूरा मामला भीमगा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मध्यनगर गाँव निवासी राजकुमारी आज दोपहर अपनी माँ के साथ खेत गई हुई थी। माँ खेत में काम करने लगी, इसी दौरान राजकुमारी राप्ती नदी में नहाने चली गई। नहाते वक्त राप्ती नदी में पैर फिसल गया। मासूम राजकुमारी का पैर फिसलने से मासूम गहरे पानी में नदी के बहाव में पहुंच गई। नदी के बहाव व ज़्यादा पानी में डूब गई। मासूम के डूबने से मौत हो गई। करीब आधा घंटा बीतने के बाद जब मासूम नहीं पहुँची अपनी माँ के पास, तो माँ ने राजकुमारी का ढूंढने का प्रयास करने लगी। जब नहीं मिली तो राजकुमारी की मां ने लोगों से पूछताछ की, पर कुछ पता नहीं चल सका। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोर पहुंच गए। घंटों बाद नदी से शव बरामद हुआ। मासूम राजकुमारी के शव मिलने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही नदी में कूदी नहाय करती, तब कहन चलो बहनी घरे, तब कहन की मौसी रे हम नहाय लेब, तब नहाई जेब, तब हम कहन चलो खटवार रोकिन की मैंने अठी ना नहाय का बोले कौन है भाई, सब लड़के बूढ़ जी अठी ले जाओ ले जाओ। बवें जन नदिया सुतरी में बवें नहाय लागी, बहनों सब गई पीछे नहाय लागी। अब ऐसे धीरे धीरे नहाते गहिलम चली गई, गोड़ उठगा बह गई। लगभग कई साल के रे? अब हम ही ना बताई पे। कौन से गांव का मामला है? मननगर। पोतिन जो है नदी में डूब के मौत हुई, कैसे क्या मामला? ये व्यापार गिर खेते के है, व्यापार से आवत थी बाबा से नहाए ला बूढ़ गए। तो कैसे लाश कैसे मिली? लाश जब हल्ला भवा तब दौड़े गए, हम बोले तो पूछा। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? मधनगर का।